नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई शास्त्री गुरु जी सूरत गुजरात से एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरु जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि आप एक बाण से, मोहिनी बाण से आप किस प्रकार से एक प्रचंड और शक्तिशाली वशीकरण साधना कर पाएंगे, और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, एक बाण से दो निशाने, एक तीर से दो निशान, ये आपने कहावत सुनी होगी, तीर एक ही है लेकिन इस तीर से, इस बाण से आप दो साधना कर सकते हैं, एक प्रचंड वशीकरण साधना, एक और एक है बंगाली बाण। बंगाल में अक्सर ये कहा जाता कि गुरुजी बाण मार दो, उस शत्रु पे बाण क्रिया कर दो, हमारे घर पे किसी ने बाण मार दिया है। तो ये बाण क्रिया मैंने जो काली घाट पे कलकत्ता में बंगाल में जो सीखी है, काली घाट, उसमें ये साधना, बाण साधना, बाण किस प्रकार से मारा जाता है, इसके लिए आप एक पीतल का ऐसा बाण लेके आ जाइए किसी भी अच्छी पूजा की दुकान से, और उस पर शत्रु का, जिसको भी आप मारण करना चाहते हैं, उस शत्रु का आप फोटो आप ले लीजिए, फोटो आप उस शत्रु का रख लीजिए इस प्रकार से सामने, और अमावस्या के दिन या शनिवार या मंगलवार के दिन आपको ये साधना करनी है। इस प्रकार से हवन की जोत में इस प्रकार से हवन कर लीजिए, और उसको बाण को सिद्ध करने के लिए आपको हवन के अंदर इस प्रकार से आपको बाण को रखना है, और फिर आपको पहले 108 घी की आहुति देनी है, गाय के घी की, और फिर उसके बाद में जब मैं ये बाण का उपयोग प्रयोग बताऊंगा तब आपको इस हवन सामग्री की आहुति देनी है, और उसके अंदर आपको जरूरत पड़ेगी इस प्रकार से एक देव जागरण धूप, एक देव जागरण, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए आपको देवता की, आपके कुल देवता की सहायता की जरूरत होती है। तो शत्रु बाण मारने क्रिया के लिए आपको देव जागरण, इस प्रकार से कुल देवता आपका सहयोग करें, देव जागरण धूप की आहुति देंगे, और किस प्रकार से वो मंत्र रहेगा, काल कपाल महाभद्र काली के, ये महाभद्र काली की क्रिया है, तो इसलिए साधना इस प्रकार से बोलेंगे। मंत्र इस प्रकार से रहेगा, अचूक मारण मंत्र, ओम काल कपाल महाभद्र काली के अमुक शत्रु, जिसको भी आप मारण करना चाहते हैं शत्रु बाण के द्वारा, अमुक शत्रु दह दह हर हंस स्वाहा, इस प्रकार से ये बाण अंदर ही रहेगा हवन में 108 आहुति जब तक आपकी स्वर घी की नहीं बचती है। मंत्र रहेगा इस प्रकार से, देख लीजिए, ओम काल कपाल महाभद्र काली के अमुक शत्रु, जिसका भी आप मारण करना चाहते हैं, द द हन हन स्वाहा। फिर से आप मंत्र देख लीजिए, ओम काल कपाल महाभद्र काली के अमुक शत्रु, द द हन हन स्वाहा। इस प्रकार से आपको 108 घी की आहुति देने के बाद में जिसका भी आप मारण करना चाहते हैं उसका फोटो के ऊपर इस प्रकार से बाण को उसके शत्रु के आर पार कर दीजिए, इस प्रकार से बाण को शत्रु के आर पार कर देना है, और फिर बाण पार पार करने के बाद में मंत्र की आहुति रहेगी वापस, ओम काल कपाल महाभद्र काली के अमुक शत्रु, द द हन हन स्वाहा। इसमें थोड़ी सी पीली सरसों भी मिला लीजिए ताकि माँ बगलामुखी भी प्रसन्न हो जाए, ओम माँ बगलामुखे प्रसन्नस्तोम स्वाहा, ओम काल कपाल महाभद्र काली के अमुक शत्रु, द द हन हन स्वाहा। इस प्रकार से 108 घी की आहुति बाण फोटो के अंदर डाल देंगे, और 108 आहुति हवन सामग्री देव जागरण धूप के साथ, ये आहुति देते ही दोस्तों शत्रु अमावस्या के दिन या मंगलवार या शनिवार के साधना करेंगे, विदिन 24 घंटे 48 घंटे में ही उस शत्रु का विदिन साइलेंट हार्ट अटैक से, चाहे वो जवान है, बूढ़ा है, कैसा भी है, हष्ट पुष्ट है, तो भी उसका 100% हार्ट अटैक से, साइलेंट हार्ट अटैक से उसका मारण निश्चित है। यह है बंगाली बाण मारण विद्या। तो दोस्तों, ये साधना करके देखें, आप 100% लाभ मिलेगा, और दोस्तों यदि आप घर बैठे इस प्रकार की साधना सीखना चाहते हैं तो
और मुझे आराध्य गुरु मानकर सीखना चाहते हैं तो मेरा फोटो घर में एक फ्रेम के रूप में लगा लीजिए और आपको मेरे पास में आने की जरूरत नहीं है। और आपको मुझे मन ही मन में गुरु ध्यान करते हुए ये साधना आप घर बैठे मुझसे सीख सकते हैं और 100% ये साधना आपकी सफल और सिद्ध होगी। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं घर बैठे आपको अच्छे से अच्छी तंत्र साधना सिखा सकूं, ताकि बिना कोई खर्च पैसे आप घर बैठे साधना सीख सकें और अपना कार्य सफल और सिद्ध कर सकें। धन्यवाद।